are watching Kali News. एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक और क्राइम ब्रांच 9 ने सोलापुर में एक एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पर की रेड। एमडी ड्रग्स 8 केजी 16 करोड़ के साथ 100 करोड़ का ड्रग्स मटेरियल किया बरामद। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पीआई दया नायक और क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को खबर मिली कि खार पुलिस स्टेशन की हद में बड़े पैमाने पर ड्रग्स तस्करी होने वाली है। पुलिस ने खाडंडा वेस्ट कटर रोड शमशान भूमि के बाजू में काला मैदान के पास से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं अतुल गावड़ी और राहुल गावड़ी। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए लोगों के पास से 5.089 केजी एमडी ड्रग्स बरामद हुई है, जिसकी कीमत 10 करोड़ 17 लाख 80 हजार रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ करने पर सोलापुर में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का पता चला। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने सोलापुर के मोहल्ले तालुका में चंचोली एमआईडीसी एरिया में एक बंद पड़ी कंपनी पर रेड कर 3.006 केजी एमडी ड्रग्स बरामद की है, जिसकी कीमत 6 करोड़ बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने लगभग 50 से 60 केजी 100 करोड़ रुपए का एमडी ड्रग्स बनाने का कच्चा मटेरियल बरामद किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर, स्पेशल पुलिस कमिश्नर दिविन भारती, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर इन क्राइम लक्ष्मी गुप्ता, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ईओडब्ल्यू नीतीश मिश्रा, एडिशनल पुलिस कमिश्नर इन क्राइम शशि कुमार मीना, डीसीपी 1 राज तिलक रोश, एपीआई महेश देसाई के मार्गदर्शन में पुलिस इंचार्ज पीआई दया नायक, पीआई सचिन पुरानिक, पीआई दीपक पवार, एपीआई उत्कर्ष वाजे, एपीआई महेंद्र पाटिल, पीएस सुभाष शिंदे, पीओ सुनील महासैनिक, संजय भोसले, जितेंद्र शिंदे, दत्तात्रेय कोहली, सचिन राउत, संतोष लोखंडे, महेश मोहित, राहुल पवार, बालासाहेब शिल्के, विनय चोगले, पीएस वैभव पाटिल और टीम ने मिलकर इस रेड को अंजाम दिया है।